क्वेश्चन नंबर 5, श्री विनय इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इनकम फ्रॉम सैलरी के सारे क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन के वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी की। ही ड्रॉस अ मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000 बिसाइड्स अ डियरनेस अलाउंस एट द रेट ₹5,000 पर मंथ। तो श्री विनय गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनका मंथली सैलरी ₹20,000 है और उनको डीए भी मिलता है ₹5,000 पर मंथ। ही गेट्स 500 पर मंथ एज इंटरटेनमेंट अलावेंस, यानी कि साल का कितना मिल गया, 500 × 12 ₹6,000। ही स्पेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ₹2,000 आउट ऑफ एंटरटेनमेंट अलावेंस, ₹2,000 जो है वो स्पेंट कर चुके हैं, मतलब कि उनको कितना मिला था साल का, 500 × 12 6,000 में से ₹2,000 वो स्पेंट कर चुके हैं पूरा, ठीक है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन रिगार्डिंग एंटरटेनमेंट अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस रिगार्डिंग जो है हमको डिडक्शन कैलकुलेट करना है। और हमने पढ़ रखा है कि अगर प्राइवेट इंप्लॉय हैं तो उनको और उनको एंटरटेनमेंट अलावेंस मिला है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, वो कैसे भी भाई एग्जेम्प्ट ही नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है, कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है, ठीक है, ये फॉर्मेट वाली वीडियो में आपको मिलेगा। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट इंप्लॉय फुली टैक्सेबल, गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो पहले आपको उतना अमाउंट इनकम फ्रॉम सैलरीज में इंक्लूड करना पड़ता है, फिर डिडक्शन हम कैसे देते हैं, यही तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि भाई कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन रिगार्डिंग द एंटरटेनमेंट अलाउंस, डिडक्शन बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखना ₹5,000 पर एनम, ठीक है, उसके बाद 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी है ना उसका 1/5 आप निकालना, और लास्ट में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, उससे मतलब नहीं है कि कितना इन्होंने स्पेंट कर दिया है, कितना इनके पास बचा हुआ है, ठीक है, बस जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो लिखना है यहाँ पे। तीनों को कंपेयर करना, जो भी लीस्ट अमाउंट होगा उतना ही जो है डिडक्शन मिलेगा इनको, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं 5 का, हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। प्राइवेट इंप्लॉय के लिए वैसे भी ये फुली टैक्सेबल होता है, वो तो ये गवर्नमेंट इंप्लॉय है इसलिए इनको कुछ डिडक्शन मिलेगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमसे बोला है, ठीक है। वीडियो आप पीछे करके देख सकते हो, मैंने फॉर्मूला दिखाया भी है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप लिख दो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी डिडक्टेड। सबसे पहले क्या होता है, मैंने सबसे पहले है ₹5,000 पर एनम, ठीक है, उसके बाद है 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितनी है, यहां पर लिखो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। ये देखो आप क्वेश्चन में क्या बोला गया है, श्री विनय इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही ड्रॉज अ मंथली सैलरी ऑफ ₹20,000। और बेसिक सैलरी मतलब क्या होता है, पर एनम वाली सैलरी, तो भाई ₹20,000 × 12 करो आप, ये हो गई पर एनम वाली सैलरी, ₹2,40,000, ठीक है। यहां ध्यान रखना है तीनों अमाउंट पर एनम वाले होते हैं, 2 लाख ये ₹5,000 पर एनम, फिर उसके बाद बेसिक सैलरी पर एनम का 1/5, तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000 का 1/5, तो डिवाइड कर दो आप सीधे सीधे 5 से, तो ₹48,000, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है इनको एंटरटेनमेंट अलावेंस, क्वेश्चन में बोला गया है कि 500, ही गेट्स 500 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस, साल का कितना हो गया 500 × 12 ₹6,000, उससे मतलब नहीं है कि कितना वो स्पेंट कर चुके हैं, यहां बोला है ना ₹2,000 स्पेंट है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, सीधे सीधे ₹6,000 जो है आप यहां लिख लो 500 × 12, चाहो तो यहां दिखा दो 500 × 12 करके आया है, ठीक है। ऐसे ही 2,40,000 कैसे आया, 12,000 पर मंथ था तो × 12 करके आया, ठीक है। फिर इन तीनों में से लीस्ट आपको कौन सा अमाउंट दिख रहा है, भाई साफ साफ पता है ये 5,000 वाला लीस्ट है, तो इसीलिए आप यहां लिखोगे कि आंसर एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलावेंस equal to ₹5,000, ठीक है।